अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक, ईद मुबारक। यार अभी आप लोग सोच रहे होंगे इस गर्मी में इतनी बड़ी शेप में क्यों मैं घूम रहा हूँ, तो भाई आज पाकिस्तान में पहला दिन है तो हमारी कुर्बानी आज होगी वहाँ पे, तो आज मैं करवा सकता हूँ अपनी शेव, तो मैं शेव करवाने जा रहा हूँ। सब लोग बोलते हैं यार आप लोग पूरा दिन क्या करते हो, क्या किस तरह घर में रहते हो, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आज घर कटवा भी और अपना भी जो मैं आज कर रहा हूँ वो भी दिखा देता हूँ, शायद मैं भी कुछ शॉपिंग में करूँ तो वो भी दिखा दूँ। ठीक हो गया, ये 311 से बिल्कुल ये एग्जिट लेके शारजा वाला, तो हम शारजा आउट ऑफ शारजा जा रहे हैं रोला की तरफ। रोला जाएंगे, देखते हैं क्या वहाँ पे क्या रोला चल रहा है। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं रिगार्डिंग जॉब्स इन दुबई, सो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं डेफिनेटली कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलके वीडियो बनाऊंगा जो एचआर मैनेजर्स हैं या जो यहाँ पर एक ऐसी पोस्ट पे हैं जो हायरिंग कर रहे हों या उनकी कंपनीज हों। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो, सो आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अब दुबई में क्या सिचुएशन है। ओवरऑल इन्होंने सब कुछ खोल दिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ खोला नहीं है, अभी काफ़ी सारा कुछ ओपन हो चुका है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें नहीं ओपन हुई वो देखनी है अभी, और क्या जॉब की सिचुएशन है और अभी वीज़ाज़ किस तरह एक्टिव हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की हुई है कि भाई वीज़ाज़ के बारे में बताएं, तो वीज़ाज़ भी अभी फ़िलहाल प्रॉपरली ओपन नहीं हुए, वो कि उन्होंने 1 अगस्त से सब कुछ खोल देना था, लेकिन अभी फिर मुझे लगता है 1 से तकरीबन 10 से 15 दिन और लगेंगे जिसमें ये और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह इनको वीज़ाज मिल रहे हैं, आप लोगों को किस तरह की वहाँ पे टेस्टिंग करवानी है, और जो लोग यहाँ से जा चुके हैं ऑलरेडी जो कि पाकिस्तान और इंडिया में हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे थे और वो वेकेशन पे गए या किसी भी इमरजेंसी में गए जो अब तक वापस नहीं आ सके, तो उनकी एक वेबसाइट है, आप वो उस पर फिल करेंगे, और लेकिन एक टेस्ट भी अब उन्होंने बोला है कोविड से ज़्यादा कोई टेस्ट है, पता नहीं क्या है वो भी है, वो आपको टेस्ट करवा के वापस आना होगा, इस तरह का सीन है। ये है हसीन शारजा और आज काफ़ी क्वाइट डे, ऑब्वियसली ईद का दिन है, लोग अपने घरों में होंगे और हम यहाँ निकले हुए हैं। ये राइट साइड पे आप अभी जाएंगे तो ये अजमान की तरफ जाता है ये एरिया, और हम टूवर्ड्स अभी हार्ट ऑफ शारजा, यानी कि जो है ना बिजिएस्ट प्लेस ऑफ शारजा, रोला की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो कुरान राउंड अबाउट है, लेफ्ट साइड पे लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी, शारजा पब्लिक लाइब्रेरी है, और ये अंडरपास से जाएंगे अभी, देखते हैं मैं कुछ थोड़ा सा शारजा भी दिखा दूँ। सब लोग यही बोलते हैं भाई कभी दुबई और शारजा दिखा दिया करो यार, तो भाई देख लो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दिखाता। अंडरपास की ख़ास बात कि इसके ऊपर कुरान राउंड अबाउट है, बहुत बड़ा, बहुत फेमस, और ये हम पहुंच गए हैं शारजा के हार्ट में, ऐसा ही है कुछ, पता नहीं क्या है यार, भाई देख लो बोट राउंड अबाउट, और ये बल्दिया की कोई न्यू बिल्डिंग बनी थी जो कि अब तक ओपन नहीं हुई। आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये जो टावर नज़र आ रहा है, ये तिसला टावर है, क्यों भाई ईद इन परदेश इस तरह की होती है, काफी क्वाइट रहती है। कल हम सिर्फ डिनर में गए थे एक जगह, और आज हमारे फैमिली में कोई, आज हमारे घर कोई आ रहा है और ये है क्लॉक टावर शारजा का। तो ओवरऑल इसी तरह की फिर ईद गुजरती है कि आप अपने छोटे मोटे काम निपटाते हो और थोड़ी सी जो भी फैमिली है यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली है काफ़ी, तो उनके आना जाना हो जाता है, दोस्त यार हैं, इस तरह सिलसिला चलता है, और इसके अलावा पाकिस्तान जैसी हैपनिंग नहीं है। पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, बकरे आराम से कट रहे होते हैं, टकाटक घर पे ही सब कुछ हो रहा होता है, और आगे बारबेक्यू की तैयारियां हो रही होती हैं, फिर बांटने जाने की एक हैसल होता है, एक गहमा गमी गहमी लगी होती है, स्पेशली बकरा ईद में ये तो बहुत ही ज़्यादा वो लगा होता है ना कि यार आप बस बहुत बिजी होता है। यहाँ पर बहुत क्वाइट है, ऐसी बात है, आप अपनी फैमिली को और रिलेटिव्स को और क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे होते हो, ऐसे ही होता है यार बस।
भाई शेफ के लिए पहुंच गया हूँ, ये तकरीबन 7 साल से यहाँ पर हसन भाई से काम करवा रहा हूँ मैं। अब देखते हैं इधर इसका क्या करते हैं। अब देखो भाई लोग, अब अच्छा लग रहा हूँ मैं। मैन बिहाइंड दिस सीजन्स, दिस गाय यार, यूजली यहीं से बनवाता हूँ। इट्स बीन 5 ईयर्स, 5 to 6 ईयर्स आई गेस। चले अब दूसरे काम निपटाते हैं। यार एक काम हो गया शेफ का, सबसे बड़ा काम, और अब उसके बाद शॉपिंग का काम थोड़ा सा रह गया है, वो करवाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, देखते हैं घर जाएंगे। फिर लंच नहीं हुआ अभी तक, लंच के लिए कहीं भी रुक कर कोई सैंडविच वगैरह लेते हैं। टाइम गाइस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है, अब कार वॉश के लिए आ गया हूँ। घर पे मार्केट नहीं गया या ना घर गया, बस कार वॉश ही गया हूँ। कार वॉश करते हैं और फिर दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे कार वॉश हो रहा है और क्या प्राइस है। 20 धर्म का हाफ वॉश है और 25 धर्म का फुल वॉश। भाई गाड़ी हो गई चिकनी फुल टॉस। मेरी गाड़ी की धुलाई इस वजह से ज़रूरी थी कि एसी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तो यार वो जाली में जब पानी वगैरह लग जाते हैं ना तो काफ़ी उसकी बेहतर परफॉर्मेंस हो जाती है, ऐसा लगता है मुझे। ज़रूरी नहीं आपके केस में भी ऐसा ही होता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैंने जाली में पानी वगैरह डलवाया है तो ड्यू टू इतना ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, आपको बताइए 50 डिग्री जब पड़ रहा होता है, तो फिर आप अगर एसी में कहीं डस्ट जा रही है या कुछ भी जा रहा है तो आप कम से कम क्लियर करवा लो। इस तरह है भाई। हाँ ड्राइव कर रहा हूँ, घर की तरफ जा रहा हूँ बिल्कुल। तो गाइस ईद मुबारक, और बस थोड़ी सी देर में खाना दिखाते हैं कि क्या बना है, और मेहमान भी आने वाले हैं अभी। ठीक है, ईद के कुछ मामला ऐसे हैं कि ये है बीफ बीन्स कीमा, और ये है इसके नान, और ये है पुलाव चिकन पुलाव और मटन कढ़ाई, और ये है रशियन सैलेड। यूजली ऐसा होता है कि ईद पे मेहमान आते हैं और जाहिर सी बात आप दिखाते हो, लेकिन मैं भाई पूरी फैमिली को नहीं कभी भी दिखाता अपने व्लॉग्स में। जब भी ये कैमरा ऑन होता है तो फैमिली नहीं होती, और फैमिली होती है तो कैमरा नहीं होता। समझ गए भाई? गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस कमेंट्स। मैंने बोला था कि जब भी आप ये नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा इसमें मैं आप लोगों का नाम लेके कमेंट कर दूंगा, मैं देख लेता हूँ कि कौन किस किस ने कमेंट किया है। एक बंदे ने कमेंट किया है इरशाद जलूरी, भाई मैंगो तो छोड़ो बट लैम्बोर्गिनी पे फोकस करो। तो ये कमेंट बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक ही हैं ये हमेशा मुझे मैसेज करते हैं, उमैर खान यूसुफजई, इन्होंने कहा यू इन दुबई माय फेवरेट। अब्दुल हादी है, अगली वीडियो में मेरा नाम ले लेना भाई, तो देख लो आप अब्दुल हादी आपका नाम आ गया है। और कौन है भाई, सलमा बशारत, आई ऑलवेज लाइक योर वीडियोज, प्लीज से माय नेम इन नेक्स्ट वीडियो अब्दुल हन्नान। तो अब्दुल हन्नान है और यूजर नेम इज डिफरेंट भाई, तो चला लो काम। ओके और क्या है, अली हमजा, यार अली हमजा लव यू भाई, लव यू टू, नो वरीज। अब्दुल हादी का एक और मैसेज आया हुआ है, हाई लव यू वन हार्ट प्लीज, सो आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आपको अगर देखा होगा, आपने कभी DM भी किया होगा इंस्टाग्राम पे, तो कभी मैं नहीं रिप्लाई कर पाता, मैं भी कभी नहीं रिप्लाई करता होता, लेकिन मैं भी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैं एक आध दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर डेफिनेटली रिप्लाई कर देता हूँ। तो भाई ये ऐसा सीन है। और शावेज पाशा भी हैं, शावेज पाशा सुपर एक्सप्लेन, ये अच्छा। फैज़ान बलोच करके हैं, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स वीडियो एंड ऑल्सो मोहसिन व्लॉग्स, थैंक यू वेरी मच भाई। मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी,
लव यू ब्रो, आई एम योर बिग फैन, लव यू टू, तहे दिल से मच लव ओवेस कादरी। और दी एक और भी है, दी अनकॉन्शियस, आई हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ, योर कॉन्टेंट गुड। तो भाई थैंक यू वेरी मच यार, ये काफ़ी सारे लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं, अब मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन स्टिल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू थैंक यू वेरी मच कि भाई आप लोगों ने मैसेज किए और आप मुझे कंटिन्यूसली मैसेजेस भी करते हो और मुझे डीएम्स भी करते हो, तो मैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी 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 मच।